नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू शेडी फॉर कॉमन रिसर्च। और आज खास झारखंड पंचायत सचिव के हिंदी टंकन से संबंधित कुछ थ्योरी क्वेश्चंस में लेकर के आया हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग। इसमें हिंदी टाइपिंग के लिए दो कोड की जरूरत पड़ती है, दो तरह का कोड होता है, एक नॉन यूनिकोड फॉन्ट और एक यूनिकोड फॉन्ट। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन यूनिकोड के बारे में जानते हैं। नॉन यूनिकोड क्या है? इसमें पुराने समय के हिंदी फॉन्ट प्रयोग किए जाते थे और इस समय टाइपिंग का उपयोग सिर्फ छपाई आदि के कामों में ही होता है। यानी कि नॉन यूनिकोड का फॉन्ट का इस्तेमाल अगर करते हैं तो सिर्फ छपाई के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा यूनिकोड फॉन्ट जो है वो मुख्यतः छपाई के लिए इस्तेमाल होता है, तो होगा नॉन यूनिकोड फॉन्ट। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका, नॉन यूनिकोड फॉन्ट का, वो है कृतिदेव और चाणक्य। जी हाँ, कृतिदेव और चाणक्य जो है नॉन यूनिकोड फॉन्ट के एग्जांपल है। और इन लोग के लिए, इन लोग को टाइप करने के लिए रेमिंगटन टाइपराइटर इस्तेमाल करते हैं। रेमिंगटन टाइपराइटर जो कि एक टच टाइप टाइपराइटर है वो इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं यूनिकोड। अब देखते हैं यूनिकोड फॉन्ट क्या होता है। यूनिकोड फॉन्ट की मदद से हम किसी भी वर्ड प्रोसेसर में या फिर ईमेल में या फिर वेबसाइट में कहीं भी हम हिंदी में लिख सकते हैं। और यूनिकोड फॉन्ट जो है ये फॉन्ट के झमेले से मुक्त है और इसमें कोई भी कीबोर्ड लेआउट इसमें यूज कर सकते हैं हम यूनिकोड में। तो एग्जांपल देखते हैं यूनिकोड का, वो है मंगल, उत्साह, कोकिला आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मोबाइल पर हिंदी टाइपिंग। जी हाँ, तो अधिकतर फोनों में हिंदी टाइपिंग के लिए T9 सिस्टम होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर मोबाइल में हिंदी टाइपिंग के लिए कौन सा सिस्टम यूज होता है, तो वो होगा T9। चलिए आगे देखते हैं, टच स्क्रीन वाले जिन कुछ फोनों में हिंदी समर्थन उपलब्ध है उनमें इसके लिए इंस्क्रिप्ट ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड होता है। तो टच स्क्रीन वाले में क्या होता है? इंस्क्रिप्ट ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कितने तरह के हिंदी के कीबोर्ड हैं। तो पहला है रेमिंगटन, ये आपको बताया ये टच टाइप है। टच टाइप का मतलब क्या होता है कि आप देखेंगे नहीं उसको कीबोर्ड पे, सिर्फ उसको कंप्यूटर को कीबोर्ड को छुएंगे और ये होगा। जैसे देखिए इस तरह, सिर्फ टच करना है, देखना नहीं है उसको। फिर रेमिंगटन ये भी उसी तरह का है, फिर ये भी रेमिंगटन टाइप का ही है यानी कि टच टाइप का है। एक देखिए ये है इंस्क्रिप्ट हिंदी कीबोर्ड और ये है फोनेटिक कीबोर्ड और ये एंड्रॉयड मोबाइल इंग्लिश। तो ये दोनों जो है, ये दोनों ये मोबाइल के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? मोबाइल के लिए। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोनेटिक हिंदी कीबोर्ड और एंड्रॉयड मोबाइल इंग्लिश कीबोर्ड मोबाइल के लिए इस्तेमाल होता है और बाकी सब हिंदी कीबोर्ड के लिए इस्तेमाल होता है कंप्यूटर में। चलिए आगे देखते हैं, इसको डिटेल में जानते हैं। अब इंस्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं क्या है। इंस्क्रिप्ट एक हिंदी का मानक कीबोर्ड लेआउट है, हिंदी का एक मानक कीबोर्ड लेआउट है। इंस्क्रिप्ट का मतलब है इंडियन स्क्रिप्ट। जी हाँ, इंडियन स्क्रिप्ट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा मैंने बताया रेमिंगटन, ये मैकेनिकल टाइपराइटर का कीबोर्ड है जिसमें बोलते हैं टच टाइप है, इसको टच करके हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं फोनेटिक, ये फोनेटिक ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, फोनेटिक ट्रांसलेशनल है जिससे कि हिंदी आदि भारतीय लिपियों को आपस में तथा रोमन में बदला जा सकता है। एक हिंदी भाषा को दूसरे भाषा में बदलना है या फिर रोमन भाषा को हिंदी भाषा में बदलना है, रोमन भाषा को तेलुगु भाषा में बदलना है, तो हम फोनेटिक कीबोर्ड लेआउट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं, इंस्क्रिप्ट और रेमिंगटन और फोनेटिक के बारे में। फोनेटिक के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं कि फोनेटिक का काम क्या है, कि एक कोई लैंग्वेज है हिंदी का तो उसे किसी और लैंग्वेज में हिंदी का कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और या फिर अगर रोमन से आपने हिंदी में किया तो इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदी से तेलुगु किया तो भी लिख सकते हैं, तेलुगु से हिंदी किया तो भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं थोड़ा इंस्क्रिप्ट के बारे में। इंस्क्रिप्ट क्या है? इंडियन स्क्रिप्ट का शॉर्ट फॉर्म है, भारतीय भाषी लिपियों का मानक कीबोर्ड है। जी हाँ, इंस्क्रिप्ट। और इसे नामी कंपनी सीडैक ने बनाया था। ये सीडैक कहाँ पे है ये भी पूछ सकता है, सीडैक कहाँ पे है? पुणे में है। तो इंस्क्रिप्ट जो मानक कीबोर्ड बनाया है वो किसने बनाया है? सीडेक। और सीडेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं,
यह देवनागरी हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती, गुरुमुखी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तमिल, तेलुगु आदि सहित 12 भारतीय लिपियों का मानक कीबोर्ड है। तो पूछ सकता है कि इंस्क्रिप्ट जो है, इंस्क्रिप्ट मानक कीबोर्ड, ये हमारे भारत के कितने भाषाओं को सपोर्ट करता है? तो वो का 12 भाषाओं को, 12 भारतीय लिपियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेमिंगटन कीबोर्ड, जैसे मैंने बताया, यह एक टच टाइपिंग प्रणाली है। आजकल इसका मुख्य रूप से प्रयोग नॉन यूनिकोड ग्राफिक्स तथा DTP डेस्कटॉप एप्लीकेशन प्रोग्राम में किया जाता है। तो पूछ सकता है आपसे कि रेमिंगटन जो प्रणाली कीबोर्ड है, उसका इस्तेमाल किस में होता है? तो सिर्फ आजकल जो होता है वो ग्राफिक्स और DTP में इस्तेमाल होता है। इसका कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ग्राफिक्स और DTP में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृति देव एक प्रसिद्ध तथा प्रचलित रेमिंगटन फॉन्ट है, ये तो पता ही चल गया। हिंदी में मूल रूप से इंस्क्रिप्ट और रेमिंगटन टच टाइप प्रणालियाँ मौजूद है। तो हिंदी में जो कौन सा इस्तेमाल होता है? इंस्क्रिप्ट या रेमिंगटन। फोनेटिक इस्तेमाल नहीं होता है, फोनेटिक नहीं होता। चलिए अब देखते हैं। मैकेनिकल टाइपराइटर पर हिंदी में टाइप करने के लिए रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, रेमिंगटन कीबोर्ड जहाँ भी इस्तेमाल होगा वहाँ पे टच टाइप होगा, और टच टाइप का मतलब मैकेनिकल, यानी कि टच करके उसको हम लोग लिखेंगे। आगे देखते हैं। कृति देव एक प्रसिद्ध तथा प्रचलित रेमिंगटन फॉन्ट है। पूछ सकता है आपको कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध रेमिंगटन फॉन्ट कौन सा है? तो वो है कृति देव। चलिए, कृति देव फॉन्ट टाइप करने के लिए सामान्यतः रेमिंगटन टच टाइप कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है। आगे देखते हैं। कृति देव हो गया, चाणक्य हो गया, ये सब नॉन यूनिकोड फॉन्ट है, और इसको जो है, इसके लिए कृति देव टू यूनिकोड कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। और जैसे यूनिकोड फॉन्ट कौन कौन हो जाएंगे? मंगल, उत्साह, कोकिला, ये सब यूनिकोड फॉन्ट है। लेकिन नॉन यूनिकोड फॉन्ट को अगर यूनिकोड फॉन्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर देखते हैं, देखिए इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड का मानकीकरण, यानी इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड जो होता है उसका स्टैंडर्डाइजेशन जो किया गया है वो किसने किया है? DIT और BIS ने किया है। देखिए किया, DIT का फुल फॉर्म क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और BIS का मतलब आपको पता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। WWW, जी हाँ, 3 W तो आपने सुना होगा, लेकिन ये चौथे W का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है कमेंट करके, नहीं तो मैं इसको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। फिर उसी तरह क्वेश्चन है HTTPS, जी हाँ, तो इसमें S का फुल फॉर्म क्या है? S किसके लिए स्टैंड करता है? तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा टाइपिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि क अग को लिखना है अगर तो कैसे लिखेंगे, अगर ओम को लिखना है तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा। पूरा एक मैं कीबोर्ड का वीडियो बनाऊंगा, उससे आप आसानी से जैसे ये सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। क कैसे लिखेंगे, ओम कैसे लिखेंगे, अगर आसन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये सब आप लिखने के लिए, ये इतना ही इजी इजी क्वेश्चन ही आएंगे आपको, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये सब बेसिक्स क्वेश्चन को अब मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।